वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ वेदर में जो थर्ड पॉइंट था वो क्या है, रेन एंड स्नो। आज हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे इफेक्ट डालता है ये रेन और स्नो। इन द क्लाउड्स, बादलों में, व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर एंड बिकम हैवी, जब वाटर ड्रॉपलेट आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और हैवी हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, दे कम डाउन एज रेनफॉल, तो ये क्या करते हैं, बारिश के फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, जब टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, द वाटर ड्रॉपलेट इन क्लाउड फ्रीज इनटू क्रिस्टल ऑफ आइस, और जो वाटर ड्रॉपलेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल ऑफ आइस यानी बर्फ़ के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फॉल डाउन एज स्नो, और ये बर्फ़ की तरह से स्नो के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेनफॉल इज जनरली, जो हम लोग रेनफॉल को मेजर करते हैं किससे मेजर करते हैं, चलिए देखते हैं। जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर, मिलीमीटर मेजर किया जाता है रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेन गेज, उसकी हेल्प से मेजर किया जाता है। रेन गेज ए मेजरिंग सिलेंडर, ये एक मेजरिंग सिलेंडर होता है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है रेन गेज का, है ना, यहाँ पर एक ऐसे सिलेंडर बना हुआ है, क्यों दिख रहा है ना आपको, ये विथ फनल एट द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर, और यहाँ पे देखिए एक फनल लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने बुक में भी देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फनल लगा हुआ है, जिससे कि क्या होता है, वाटर को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट द रेन वाटर हो गया। रेन गेज मेजर्स द रेनफॉल एट ए प्लेस इन मिलीमीटर्स, ये जो रेन गेज है किसी पर्टिकुलर प्लेस का क्या करता है, रेनफॉल को मेजर करता है मिलीमीटर्स में। देखिए जो भी वाटर आ रहा है, बारिश हो रहा है, वो यहाँ पे फनल में कलेक्ट होगा, और वो जाकर कलेक्ट होकर के जो मेजरिंग सिलेंडर है इसमें इकट्ठा होगा। अब जितना इसका पॉइंट ऊपर जब बढ़ता जाएगा बारिश के, है ना, कलेक्ट हो जाएगा बूंदे, और उसी से हम लोग पता लगा देते हैं ये कितना मिलीमीटर बारिश हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे वेदर ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर में फोर्थ पॉइंट, वो क्या है, विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, क्या है, जो बहती हुई हवा है यानी जो मूविंग एयर है वही क्या कहलाता है, हमारा विंड कहलाता है, हवा कहलाता है ना। ड्यूरिंग विंटर्स, ठंडक के समय में, व्हेन द विंड्स ब्लो फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, जब पहाड़ों से विंड ब्लो करता है नॉर्दर्न इंडिया में, है ना, नॉर्दर्न इंडिया के पहाड़ों से जब एयर ब्लो करता है, विंड ब्लो करता है, टुवार्ड द नॉर्दर्न प्लेन, कहाँ पे, जो नॉर्दर्न प्लेन है उत्तरी भूभाग है वहाँ पे जब चलता है एयर, द प्लेन्स बिकम वेरी कोल्ड, तो क्या होता है कि जो प्लेन है वो कैसा हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है। अभी देखिए इस टाइम पे क्या है, विंटर है, तो विंटर के टाइम में ये मौसम लोगों का कैसा है, अब ठंडा हो रहा ना धीरे धीरे, बिल्कुल। ये कहाँ से आ रही है हवाएं, जो नॉर्दर्न इंडिया के माउंटेन्स हैं वहाँ से टकरा करके ये प्लेन की तरफ आ रही हैं। ड्यूरिंग समर, गर्मी के सीज़न में, द विंड ब्लो फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया टुवार्ड द सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया, जो विंड है वो कहाँ से चलता है, वेस्टर्न इंडिया से, वेस्टर्न इंडिया से विंड चल करके कहाँ जाता है, सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया की तरफ से। एंड दीज रीजन्स बिकम्स वेरी हॉट, और इस तरह से ये जो रीजन है कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो ये था विंड का इफ़ेक्ट, कि कैसे क्लाइमेट के ऊपर ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने सभी एलिमेंट्स को पढ़ लिया, इस वीडियो में हमने पढ़ा रेन एंड स्नो और विंड, कैसे ये इफेक्ट डालते हैं किसी भी वेदर के ऊपर, है ना, इनका क्या इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।